हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्स फॉर फोर्स और मैं हूं ऋषभ। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा कि एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम कैसे करें। देखिए, एनडीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा जनवरी के मंथ में, जो कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और एग्ज़ाम जो है 22 अप्रैल को है। तो देखिए दोस्तों, मैं टॉपिक पर लौटता हूँ आपके साथ। मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा कि एनडीए में कितने मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, एज लिमिट क्या होता है, ये सब फालतू के क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपसे इतना ही यहाँ पे डिस्कशन करने आया हूँ कि एनडीए में हम कैसा स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारा रिटन एग्जाम क्लियर हो जाए। देखिए, कई कई आप यूट्यूब से आप सर्च मारोगे तो आप देखोगे कि एनडीए के एग्जाम में कहीं आपको एक्सपर्ट सलाह देते रहेंगे कि क्वेश्चन ट्रिक पे सॉल्व करो, कहीं कोई बोलेगा आपसे कि कोई एक बुक, पार्टिकुलर बुक फॉलो करो। तो देखिए, ये तो सही सलाह है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एनडीए का आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है, वास्तव में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप सिर्फ आप ट्रिक पे आप विश्वास करें, क्योंकि ट्रिक ही आपको कट ऑफ के आपको उस पार ले जा सकती है। एनडीए के एग्ज़ाम की जहाँ तक भी मैं बात करूँ, तो मैथ्स के एग्ज़ाम के 5 पोर्शन होते हैं जनरली। पहला उसमें पोर्शन है अलजेब्रा, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें 2D और 3D दोनों इंक्लूडेड हैं, चौथा है कैलकुलस, और पांचवा जो है वो है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत है, 120 है, हमारे पास समय जो है 180 मिनट ही हैं। अगर कोई स्टूडेंट एनडीए का एग्ज़ाम दे चुका है या देने वाला है, तो एक बात आप ज़रूर एनालिसिस करना कि एनडीए के जब मैथ्स पेपर में जब एग्ज़ाम बैठते हो तो कितना समय बच जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और उसी के बाद जो एग्ज़ाम होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में, या आपको उतना ही समय लगता है या उसमें समय बच जाता है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसका आंसर वो भली भांति जानते हैं, और जो पहली बार देंगे, इसका आप एक एक्सपीरियंस जरूर ले सकते हैं कि क्या आपके पास समय बचेगा। इसका आंसर है कि मैथ सेक्शन के एग्ज़ाम में आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 180 मिनट में आपके पास समय पर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1 मिनट 10 सेकेंड के आसपास बैठता है, जो कि सॉल्व कर पाना बेसिक मेथड से कैलकुलेट करके पूरा, बाय द वे, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इट इज वेरी टू मच टाइम टेकिंग, ये बहुत लंबा खींचेगा आपसे, आपको क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, इस कारण आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप कई बार एयर मिस्टेक ले लेते हैं, कभी कभी आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के आप चक्कर में बहुत सारा अटैम्प्ट लेते हैं, जो क्वेश्चन जिसे आप बच्चे तुक्का बोलते हैं, आप वो भी अटैम्प्ट लेते हैं, तो यहाँ आपको निगेटिव मार्किंग ले जाएगा, आपका सिलेक्शन रोक सकता है ये सारे चीज़। तो आपका पहला होना चाहिए कि ट्रिक पे सॉल्व करें, दूसरा कि निगेटिव मार्किंग से बचें। अब फिर बच्चा बोल रहे कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, तो इसका आंसर यही है कि ट्रिक से सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये बताऊँगा। इसके लिए वीडियो कम्प्लीटली देखते रहें। और एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद इस चैनल पर जितना भी वीडियो आएगा एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में, मैट्रिक्स का हर चैप्टर के हर टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो लेकर आऊँगा, और आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार का ट्रिक अप्लाई कर सके। देखिए, ऐसा इसलिए है कि ट्रिक कई कई इसे यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं कि एक वीडियो लाते हैं और उसमें बताया जाता है उनकी तरफ से कि ट्रिक है। हाँ, वो ट्रिक बताते ज़रूर हैं, लेकिन एक वीडियो लाकर छोड़ देते हैं वो लोग। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी वीडियो आएंगे पूरा कम्प्लीटली सिलेबस कवर करेगा एनडीए का। लेकिन हाँ, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब वीडियो आएगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें बेसिक थोड़ी ना थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ एपी का, जीपी का, जैसे सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो बेसिक्स में क्या पता होनी चाहिए कि बच्चों को एपी के बारे में पता होना चाहिए कि एपी क्या है, जीपी क्या है। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे मैं बात करूँ ट्रिगोमेट्री की, तो इसमें बेसिक इतना पता होना चाहिए कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक की जो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं, इनका वैल्यू सब याद होना चाहिए, 30, 30, 45, 60, 90, 0, ये सब पर इनको वैल्यू पता होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर इतना पता है किसी को तो ट्रिक के सहारे अपने आप को एग्जाम में क्लियर कर सकता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि एनडीए के कट ऑफ के बारे में बच्चों के दिमाग में एक अजीब प्रकार की दुविधा होती है, कई बार उन्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, वो र्यूमर में बिलीव कर जाते हैं कि एनडीए के एग्ज़ाम में कट ऑफ किस प्रकार की होती है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि एनडीए के एग्ज़ाम में कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रकार की होती है, उससे अधिक कुछ नहीं होता है कट ऑफ।
और 3 कट ऑफ ये होता है। पहला होता है मैथ्स का सेक्शन, जो कि मैथ्स का पेपर देते हो, एक वो कट ऑफ कैरी करता है। उसमें देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा अगर 45 क्वेश्चन अगर सॉल्व करता है सही से, तो अपने आप को सेफ साइड महसूस कर सकता है। मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि OBC SC और ST का तो उससे कम ही होगा। और इसमें दूसरा कट ऑफ जहाँ तक मैंने आपसे बताया, तो दूसरा कट ऑफ है कि सेकेंड पेपर में जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में जब एग्जाम आप देते हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, उसका भी कट ऑफ होता है। अगर आप वो क्वेश्चन अगर पूरा आप लिफ्ट कर देते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी एक कट ऑफ डिसाइड करता है UPSC। तो एक दूसरा कट ऑफ तो वो हुआ, पहला मैथ का है, दूसरा इंग्लिश का है। तो उसमें 30% मार्क्स आपको गेन करने होंगे, यानी कि 50 का 30% आप 16 to 17 क्वेश्चन बोल सकते हैं, 16 से 17 क्वेश्चन। और लास्ट और तीसरा कट ऑफ क्या हुआ दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि अदर सब्जेक्ट जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन है, उसका एक अलग कट ऑफ होता है, जिसमें जनरली सब्जेक्ट जो होते हैं वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उसका एक अलग कट ऑफ होता है। उसमें भी 30% गेन करना जरूरी है दोस्तों। मैं आप एक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आपसे लिखा रहेगा कि सेक्शनल कट ऑफ पार करना, हम ऐसा ही बिल्कुल नहीं, आप इसमें बिलीव करिएगा, क्योंकि मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं होता है। क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स में, हिस्ट्री में, आपका भी जैसे इंग्लिश में कट ऑफ डिसाइड किया हो, वैसे वैसे आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो सेक्शन कट ऑफ कुछ नहीं होता है, 3 प्रकार कट ऑफ होता है जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये तीनों कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको इतना विश्वास दिला के कह सकता हूँ। वीडियो के अंत में इतना जरूर कहूँगा कि मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ, ट्रिक पे बेस्ड है। जैसा कि मैं इस वीडियो के पहले ही बताया हूँ कि मैं ट्रिकी क्वेश्चन के साथ में वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगला वीडियो आप जरूर देखें। और मैं वीडियो के अंत में इतना करना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा ही विश्वास दिखता हो मुझ में, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो NDA की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उन्हें दोस्तों के बीच में बताएं कि NDA की प्रिपरेशन ट्रिक्स के साथ कैसे की जा सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।